निवासी मैं हा मोर अलग पहचान हे। अब पीरा गमछा धोती कुर्ता कलगी मोर सम्मान हे। हाथ धरे मैं तीर कमान मोरे आने बाने अवसान हे। अरे हाथ धरे मैं तीर कमान मोरे आने बाने अवसान हे। अरे मैं तो आदिवासी बेटा और चलता सी नातान के। ये जो गीत मैं आप सबके लिए बनाया है वर्ष 2020 में हरे आदिवासी सेना परिवार छत्तीसगढ़ राजधानी से गीत प्रेरित हो रही से आप सबके बीच में आप सबके अथा माया दुलार आशीर्वाद है कि पहला मोर दूसरा मोर आदिवासी गीत है जिन मिलियन क्रॉस करी। मैं भी कोई बड़े कलाकार में हूँ और एक बार पुनः बता दू कि ये मंच में विराजमान आदरणीय हमारे बड़े भैया आदित्य मंडावी जी के जोरदार तालियों की बधाई चाहता हूँ जिन हमारे संग कलाकार मन के आवाज में अपन यूट्यूब के माध्यम से दुनिया में बगड़ा थे। काबर आजकल देखा था रामायण होते भागवत होते कुछ भी होते तो यही कैमरामैन की वजह से वो नहीं ठोते भैया। एक जन हमारे जिला गरिया बन के जबरदस्त प्रवचन करता कहे जाए आदरणीय शुक्ल साहब जेकर अगर मंच में कहूँ बैठी ना तो आप उठ के नहीं जाओ ऐसे वक्तव्य करते हो। मतलब बात भी बताते हैं इसे कि जहन में लगे और कॉमेडी तो अपन जानते हो वो बड़े बड़े चुंदी वाला दाढ़ी वाला सियान। लेकिन देखो कथा के है कि लोगों में रिझाए के एक कला होता है। आज वही की संगीत के माध्यम से ये मंच तक मैं लाए हो तो मैं भी वही चाहता हूँ कि जिन गीत संगीत का मैं गाता हूँ अब तक तो खर्चा करता हूँ आप ही मन पर तो गाता हूँ सिर्फ नाचे का भर मैं बजाता हूँ भाई वो गीत का समझो तब तो वही है ना। तो ले सादर समर्पित कर पहला वो मोर गीत आदिवासी गीत जिन गीत ना यूट्यूब के माध्यम से आप मिलियन क्रॉस कराए हो। मैं तो आदिवासी बेटा चलता हूँ सीना कान के। मैं तो आदिवासी बेटा चलता हूँ सीना कान के। छत्तीसगढ़ के जम्मू आदिवासी एक बहुत जोर लगा रहा हूँ ना आप सब समाज में आगाह कराना चाहता हूँ। जब कांग्रेस सरकार रही ने मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जब रही से शासन में आप बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी तो बलौदा बाजार के। काबर आप तो शहर के हर एक चौक में जाऊँ तो अलग अलग देश राज के मूर्ति बैठे देखे हो चौधरी चंद ऐसी से कुछ नाम रही थी। पहली बार हम 20 बार ज्यादा तक 20 बार आवेदन दें मुख्यमंत्री ला तब कहीं जाकर कि 21 नंबर के जब आवेदन हम दें आदिवासी समाज। आज रायपुर में कोई जगह हमारे पुरखा की मूर्ति विराजमान है 40 फीट के आदम का मूर्ति रायपुर के जय स्तंभ चौक में आप जाकर के देखो वो आप सबके बदौलत एक बार जोरदार वो अमर शहीद वीरनारायण सिंह के जयकार लगा कर ताली बजाओ। बोल अमर शहीद वीरनारायण सिंह की। आज ये लड़ाई लड़े तब कहीं जाकर के 40 फीट के आदम तक मूर्ति जो रायपुर के जय स्तंभ चौक विराजमान हुई ये अगले साल के बाद विश्व आदिवासी दिवस के समय जब मुख्यमंत्री पता चली कि आदिवासी समाज सोना खान से मिट्टी लेकर के वो शहीद वीर नारायण सिंह के भुइया ने मिट्टी लेकर के रायपुर के जय स्तंभ चौक में मूर्ति बसाए खातिर वहां निकले हैं तब कहीं जाकर कोई झुकना पड़ी ये होते एकता के ताकत। आज अतका कर खर्चा करके अतका कर आयोजन करा था 2 मिनट हमारे सियान मन के बात सुने पर आदमी का समय नहीं है तो कहां मतलब अतका खर्चा करे आने वाला भविष्य के बारे में सोचे लगते हैं आने वाला भविष्य के युवा पीढ़ी के बारे में सोचे लगते हैं। अरे जब तक कि हमें समाज के बीच में आगे जाओ नहीं तब तक नर नियाल की से सीखो सही है ना सिया सही है ना। मैं तो अपन की संगीत भैया अभी माता अभी सादर निवेदन है भाई गोठिया सादर निवेदन भैया आपके डिमांड ना पूरा करूं कोई बात नहीं गोठिया था कड़ा डिस्टर्ब मत करो सादर निवेदन का पर जो बताना रही सबका टाइम बता नहीं पाया अब बतावा था तो सुनिए कमी है। मैं पहली से बालक हूं जनरल पीढ़ बोलते था समाज में काबर सियान मन के बीच में बोला था तो गलती है दिनों ने तू भाखा बोल के बता ही जरूर है ना। और कर बद प्रार्थना है मैं बोली भाखा में अभी भी बोला था त्रुटि हुई तो सियान का निवेदन है कम से कम बोला मार्गदर्शन करके प्रयास करू। आज भी रोना लग थे गा आज हमारे नौजवान युवा पीढ़ी कहाँ भुला है मोबाइल में फ्री फायर और इंस्टाग्राम बस एक बात नहीं दुनिया ऐसे नहीं है। हमने अगर अपन समाज चलाना है तो समाज जंगल बीच में हमारा आकर के बैठे लगे समाज जंगल नर या सुनने लगी तब कहीं जाकर के आने वाला भविष्य रहा मार्गदर्शन कर सकते नहीं थे आने वाला भविष्य में आप सोच भी नहीं सको इतना बदतर स्थिति हो जाए समाज की। ये बात मैं समझाऊंगा ये बात मैं बताया बार मैं आया हूं काबर मैं जब
सामाजिक मंच पे आठो मैं भी लोक मंच पर आठो ऐसी बात नहीं है। वो बड़े बड़े जो अभी चलत है ना स्टार टिकर उनका गाना गाता ऐसी बात नहीं है, लेकिन समाज के बीच में नन पहले सामाजिक स्तर से ही आगे बढ़े और तब कहीं जाकर के समाज का सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता हूँ, हृदय से प्राथमिकता देता हूँ। और नौजवान पीढ़ी का एक ही संदेश देता हूँ, जागो जागो रे आदिवासी जागो रे, ये भुइया के मूल निवासी जागो रे, अरे पर बुधिया बन दूसर के पाछू मिन मत लग जाने भागो रे, जानो अपन संस्कृति का संगी रूढ़ी प्रथामा काए है, पुरखा के सम्मान भरे है और इतिहास समाए है। मैं कहना बोलो नहीं गा लिखता हूँ गाता हूँ, गीत संगीत के माध्यम से जगाए प्रयास करता हूँ, अटके मैं करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य पाते। और नौजवान ये प्रेम दिखता हूँ कि उठो बढ़ो संघर्ष करो कदम रखो इस समाज में, कि उठो बढ़ो संघर्ष करो कदम रखो इस समाज में, युवा पीढ़ी की ताकत दिखा दो, मौका नहीं मिले बाद में और मौका नहीं मिले बाद में, ये बात में वजन है कि उठो बढ़ो संघर्ष करो कदम रखो इस समाज में, युवा पीढ़ी की ताकत दिखा दो, मौका नहीं मिले बाद में। काबर वो नौजवान युवा पीढ़ी ही ऐसे संघ से काबर सियान मन कहते थे संघ देगा पानी के ठोटका बरबर तन के कुछ गा नहीं, अगर अभी हवे तो हवे नहीं रिश्ता, आज आदमी साठ साल बरबर जिया थे हवे उम्र पहली मन तो जुन्ना हारा मन किसने सौ साल पार कर गया, आज साठ साल बरबर नहीं जिया सही है ना, ये बात अपन समझे लगी तब कहीं जाकर के हम लड़ाई लड़े, तब कहीं जाकर के आज रायपुर के जय स्तंभ चौक में उगर मूर्ति विराजमान है, और माटी के लड़का बधवा बेटा के रही अमर पहचान रे, और माटी के लड़का बधवा बेटा के रही अमर पहचान रे, और मैं तो आदिवासी बेटा और चलता सीना तान के